पीईटी 2022 के आधार पर यूपी ट्रिपल एससी ने एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है और ये भर्ती है यूपी ट्रिपल एससी की ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के। इसका आवेदन 11 जुलाई से शुरू होगा और 1 अगस्त अंतिम डेट होगा, यानी कि 1 अगस्त तक आप फीस का भुगतान भी कर पाएंगे। उसके बाद आपको एक हफ्ते का करेक्शन करने का मौका मिलता है। यहाँ पर हर एक कैंडिडेट को केवल ₹25 देना होगा आवेदन शुल्क और इसके लिए आपकी उम्र 1 जुलाई 2023 के दिन काउंट की जाएगी, जो कि कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल हो सकती है। यहाँ पर कई तरह के पद हैं, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। वैसे तो ये उत्तर प्रदेश की भर्ती है, लेकिन पूरे भारत के लोग इसका आवेदन कर पाएंगे, बशर्ते कि जो इसकी कंडीशन है वो आप फॉलो करें। यहाँ पर कुल मिलाकर 530 पद हैं, जिसमें से ऑडिटर के 138 पद हैं। ऑडिटर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, इसके 391 पद हैं और असिस्टेंट अकाउंटेंट का केवल 1 पद है। ये सारे पद अगर आप देखेंगे तो जनरल, AWS, OBC, AC, ST में बांटे गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो असिस्टेंट अकाउंटेंट वाला केवल 1 ही पद है, ये केवल जनरल के लिए है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो बताया गया है इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, जो ऑडिटर है लोकल ऑडिट, इसके लिए आपके पास कॉमर्स में डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री या फिर आप बीकॉम कहिए। इसके अलावा ये अगर नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए अकाउंटेंसी में और ओ लेवल होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि इन तीनों पदों के लिए आपके पास पीईटी 2022 का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आपके पास बीकॉम होना चाहिए या फिर कॉमर्स में बैचलर डिग्री हो या फिर ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए और फिर से पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड। उसी तरह असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए बीकॉम होना चाहिए या फिर पीजी डिप्लोमा हो सकती है अकाउंटेंसी में या फिर ओ लेवल सर्टिफिकेट रहेगा, तो इसके साथ आप पीईटी का वैलिड स्कोर कार्ड लगा करके इसका आवेदन कर पाएंगे। तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि आपके पास पीईटी 2022 का एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि एक बार आयोग अपना आवेदन ले लेता है, उसके बाद जो वैकेंसी होती है यानी कि 530 पद, इसके 15 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट करता है और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तभी जाकर आपको मुख्य परीक्षा की फ़ीस जमा करनी होती है। तो आवेदन आप 11 जुलाई से करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, तो डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, वहां जाकर आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी भी मिल पाएगी।